नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर के आपके चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स। फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट का जो है, इस चैप्टर में हमने पिछली क्लास में मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का कॉमन जनरल इंट्रोडक्शन जो है उसके बारे में बात की। और आज का हमारा जो टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। आज का हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, फीचर्स का मतलब क्या होता है। देखो, फीचर्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे हिंदी में बोलते हैं विशेषता। क्या बोलते हैं इसको? विशेषताएं। अब विशेषताएं की बात करें तो इसमें क्या विशेष है, इसमें क्या विशेष है, किसी भी तत्व में, किसी भी एलिमेंट में, हम जिसकी किसी के बारे में बात कर रहे हैं उसमें क्या विशेष है, बस वही उसकी विशेषता बन जाती है। किसी पर्सन के बारे में बात करें तो वह पर्सन कैसा है, गोरा है, काला है, लंबा है, मोटा है, कैसा है, तो वह उसकी विशेषता बन जाती है। अच्छा है, बुरा है, वो सब उसकी क्या बन जाती है, विशेषता। ठीक है, इंग्लिश वर्ड्स हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो यहाँ पर भी करैक्टर, करैक्टर भी उसकी जो विशेषताएं हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। या कॉमन वे में हम ये कह सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स वो पॉइंट होते हैं जिनके द्वारा हम उस टॉपिक को या उस पर्सन को या उस बिंदु को हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम उसको पहचानते हैं कि यह चीज़ इस तरह से बनी है। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिन बिंदुओं का सहारा लेते हैं उन बिंदुओं को हम विशेषताएं कहते हैं। बच्चों, आइए चलते हैं, बढ़ते हैं कि मैनेजमेंट की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्रबंध की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है, वो सबसे पहली करैक्टरिस्टिक्स है वो है ह्यूमन बींग। ह्यूमन एक्टिविटी, सॉरी, सबसे पहली जो करैक्टरिस्टिक्स है वो है ह्यूमन एक्टिविटी। कि मैनेजमेंट जो है एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि मैंने आपको रिसोर्सेज के दो तरीके बताए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में दो तरह के रिसोर्सेज बताए थे और उनमें कहा था कि एक तो होता है ह्यूमन रिसोर्सेज और दूसरा बताया था फिजिकल रिसोर्सेज। और आपको मैंने बताया था कि ये रिसोर्सेज जो है ये एक्टिव रिसोर्स है। कैसा रिसोर्स है? एक्टिव। और ये फिजिकल जो रिसोर्सेज है वो डीएक्टिव रिसोर्स है। तो एक्टिव रिसोर्सेज हैं अर्थात मैनेजमेंट जो एक्टिविटी है वो की जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है? ह्यूमन बींग्स के द्वारा की जाती है। कोई भी क्रिएचर्स, कोई भी बर्ड्स, कोई भी एनिमल्स जो है वो मैनेजमेंट नहीं करता। मैनेजमेंट पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरी धरती पे केवल अगर किया जाता है तो ह्यूमन बींग के द्वारा किया जाता है, मनुष्य के द्वारा किया जाता है, मानव प्राणी के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमन एक्टिविटी है। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ए ह्यूमन एक्टिविटी बिकॉज इट्स डूइंग फॉर ह्यूमन एंड डूइंग बाई ह्यूमन। ये मानवों के लिए और मानव के द्वारा की जाती है, इसलिए इसको ह्यूमन एक्टिविटी कहा जाता है। सेकेंड इज मैनेजमेंट इज अ चैलेंजिंग टास्क। मैनेजमेंट इज अ चैलेंजिंग टास्क। रियल में बहुत अच्छी बात कही गई है कि मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग टास्क है। बच्चों, इसके बारे में तो आप जो लोग मैनेज करते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, जो मैनेजर बने हुए, उनसे पूछिए कि मैनेजमेंट कितना चैलेंजिंग टास्क है। क्यों है मैनेजमेंट चैलेंजिंग टास्क? क्योंकि एक फर्म के अंदर अलग अलग थॉट, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग काम करने के तरीके, अलग अलग जगह के व्यक्ति, ठीक है, अलग अलग उनकी विचारधाराएं हैं। जब एक संस्था में अलग अलग विचारधारा के लोग इकट्ठे होते हैं और उन सभी लोगों को एक ही दिशा में आगे बढ़ाना होता है, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए उन्हें मोटिवेट करना होता है, प्रेरित करना होता है, आगे बढ़ाना होता है, तो इट्स सो डिफिकल्ट। क्योंकि अनेक लोगों को एक ही दिशा की ओर बढ़ाना होता है मैनेजमेंट के अंदर। ठीक उसी तरह से जैसे एक रथ के अंदर
एक गाड़ी के अंदर चार घोड़े लगे हुए हैं, लेकिन चारों घोड़े अलग अलग दिशाओं में जाएंगे तो वो रथ आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो चारों के चारों घोड़े अगर एक ही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वह रथ की स्पीड काफ़ी तेज बढ़ जाएगी और फटाफट उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर मैनेजमेंट इसी चैलेंजिंग टास्क है। एक फैमिली के अंदर दो बच्चे होते हैं घर में, दोनों की अलग थॉट होती है, अलग डिमांड होती है और फैमिली वाले दो बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें मैनेजर की, तो एक मैनेजर के पास अनेक तरह के अनेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं, अलग अलग माइंड, अलग अलग उनका थॉट, अलग अलग उनकी एक्टिविटीज़, उन सबको सेटअप करके सबको बांध करके एक साथ लेके चलना होता है और ये बहुत मुश्किल काम होता है, इसलिए इसे कहा गया इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। क्लियर। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। देखिए मैनेजमेंट जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों कहा गया? बिकॉज सबसे पहले मैनेजमेंट में एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाता है, पहले एक ऑब्जेक्ट को स्थापित किया जाता है, फिक्स किया जाता है कि हमें करना क्या है, व्हाट टू डू, हमें करना क्या है। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट सेटअप किया जाता है, फिर उस ऑब्जेक्ट को कैसे प्राप्त किया जाए उसके लिए प्लानिंग बनाई जाती है, उसके लिए अदर एक्टिविटीज़ की जाती हैं और लास्ट में उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उद्देश्य नहीं होगा, तो बिना उद्देश्य के मैनेजमेंट होगा ही नहीं, क्योंकि बिना उद्देश्य के प्रबंध नहीं हो सकता। आप कहीं जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आप गली मोहल्ले आसपास कहीं चक्कर लगा करके वापस अपने घर पे ही आ जाएंगे। लेकिन आपको ये फिक्स है कि मुझे आगरा जाना है, तो आप बिल्कुल आगरा जाएंगे। तो यहाँ पर आगरा क्या है? यहाँ पर आगरा आपका उद्देश्य है, यहाँ पर आगरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि आपने सेट किया है। तो बच्चों सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट किया जाता है। बहुत से बच्चे पढ़ाई लिखाई कर अच्छी तरह से पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते। रीज़न ये होता है कि हम हमारा सेटअप ऑब्जेक्ट नहीं कर पाते, हम हमारा ऑब्जेक्ट सेट नहीं कर पाते। अगर आपने जब स्टडी शुरू की उसके फर्स्ट डे ही अगर आपने सेटअप कर लिया कि मुझे 70% नंबर लेके आने हैं, मुझे 80% नंबर लेके आने हैं, मुझे 90% नंबर लेके आने हैं, तो जब तक आप ये सेटअप नहीं करोगे तब तक आप काम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्ट बनाएं, फिर उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपना काम शुरू करें। तो मैनेजमेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन किया जाता है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट का निर्धारण किया जाता है, उद्देश्य को तय किया जाता है, फिर उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग, उस उद्देश्य के अनुसार कार्य किया जाता है। नंबर फोर्थ इज यूनिवर्सल एक्टिविटी। यूनिवर्सल एक्टिविटी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल का मतलब है सार्वभौमिक। ऐसी कोई चीज जो सभी जगह पर विद्यमान हो उसे कहते हैं यूनिवर्सल। बच्चों जब मैं छोटा था तब मैं कई बार ऐसे कभी रात को कभी दिन कहीं जाते थे तो ऐसे लगता था कि हम चांद को देखते थे, और जब हम हमारे गांव में होते थे तो देखते थे चांद यहाँ पर है, जब हम दूसरी जगह पर जाते थे हमें लगता था कि चांद हमारे पीछे पीछे चल रहा है और चांद यहाँ भी आ गया। हम चलते हम थे लेकिन लगता हमें था कि चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, वो एक ही है लेकिन वो सभी जगह पर अवेलेबल है। एयर सभी जगह पर अवेलेबल है, ईश्वर भी हम मानते हैं कि सभी जगह पर मौजूद है। तो ऐसी कोई भी चीज जो सभी जगह पर अवेलेबल होती है उसे कहते हैं सार्वभौमिक या यूनिवर्सल एक्टिविटी। मैनेजमेंट जो है इसको भी यूनिवर्सल कहा जाता है क्योंकि यह भी सभी जगह पर विद्यमान है। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, नॉट ओनली इन इंडिया बट आल्सो अमेरिका, जापान, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एवरीवेयर इज। चाहे फर्म छोटी हो या बड़ी, चाहे बिजनेस छोटा हो या बड़ा, चाहे बिजनेस आपका सोशल हो, चाहे कारोबार आपका सोशल हो, चाहे आप कोई अदर एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे एक्टिविटी आपकी इकोनॉमिकल हो या नॉन इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो या टेक्निकल हो, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो, इन ईच एक्टिविटी देयर इज मैनेजमेंट।
अभी आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा कि मैनेजमेंट अगर किसी भी एक्टिविटी में से मैनेजमेंट को अगर माइनस कर देंगे तो बेटा जीरो बचेगा, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के एक्टिविटीज नहीं होती है। एक्टिविटी होंगी तो उनका रिजल्ट शून्य होगा, उनका वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि चाहे एक्टिविटी छोटी हो या बड़ी, हर एक्टिविटी में मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है, लागू होता है। हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल एक्टिविटी की, कि प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया है, सर्वव्यापी क्रिया है, क्योंकि यह सभी क्रियाओं में, यह सभी स्थानों पर उपलब्ध है। इसलिए इसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एक्टिविटी। नंबर फिफ्थ, इनटेंजिबल। नंबर फिफ्थ इज इनटेंजिबल एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल एक्टिविटी, मैनेजमेंट को इंटेंजिबल एक्टिविटी कहा जाता है। मैनेजमेंट को इंटेंजिबल एक्टिविटी क्यों कहा जा रहा है, क्या रीजन है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इंटेंजिबल का मतलब होता है अदृश्य, इंटेंजिबल का मतलब होता है अदृश्य। हम प्रबंध के परिणाम को देख सकते हैं, प्रबंध को नहीं देख सकते। हम मैनेजमेंट के रिजल्ट को देख सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छा रहा या बुरा रहा, उसका जो परिणाम आता है वो परिणाम हमें बताता है कि मैनेजमेंट अच्छा रहा या बुरा। लेकिन अगर कोई हमें पूछे कि मैनेजमेंट का क्या रंग रूप डिजाइन साइज कलर कुछ बता सकते हो, तो हम मैनेजमेंट का कोई भी रंग रूप कलर डिजाइन आपको नहीं बता सकते, क्योंकि मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल एक्टिविटी है, अदृश्य शक्ति है, इंटेंजिबल पावर है। इसे हम केवल फील कर सकते हैं, हम इसके रिजल्ट को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, इसलिए इंटेंजिबल एक्टिविटी है। एक बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके बोर्ड के अंदर कि मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल एक्टिविटी। बच्चों एक बात बीच में आपको मैं और बताना चाहूँगा कि अभी मैंने आपसे ऑब्जेक्ट की बात की, ठीक है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमारा मैंने बताया कि अब सबसे पहले अपन टारगेट फिक्स करते हैं कि मुझे इतना परसेंटेज नंबर लेके आना है। अब टारगेट फिक्स करते हैं कि मुझे इतना अचीव करना है, उस अचीव के लिए ये भी जरूरी है कि हम फिक्स इस तरह से स्टडी करें कि हमें वो नंबर मिल सके। स्टडी की पूरी एक स्ट्रेटेजी होती है। यहाँ से जो मैटर आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा इस टॉपिक से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से, एक या दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी शॉर्ट पूछा जाता है। और वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, या क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि राइट कि मैनेजमेंट इज ए चैलेंजिंग टास्क, एक्सप्लेन इट। केवल दो तरह के क्वेश्चन पुटअप होंगे, या तो किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को देकर के उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर आप इसमें से कोई दो के नाम या तीन के नाम पूछ लिए जाते हैं, मैक्सिमम दो या तीन ही पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये तो आपके मैंने बताया कि मैनेजमेंट के यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं इस टॉपिक में से, वो किस तरह से पुटअप होते हैं ताकि आप बेटर परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट की ओर चलते हैं कि हमारी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है? कंटिन्यूस का मतलब है लगातार चलती रहती है। कैसे चलती रहती है? सबसे पहले हमने एक उद्देश्य बनाया, हमने एक ऑब्जेक्ट फिक्स किया, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने एक प्लानिंग बनाई कि हमें इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त करना है। उसके लिए फिर हमने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, एक स्ट्रक्चर तैयार किया कि हमें इस प्लान पे कैसे कैसे काम करना है, ठीक है, कौन व्यक्ति कैसे काम करेगा। फिर उसको पूरा करने के लिए हमने स्टाफिंग किया, लोगों को नियुक्त किया, लोगों को लगाया जो व्यक्ति इस काम को कर सकते हैं। फिर हमने उसको करने के लिए लोगों को डायरेक्शन दिया
हमने जैसे प्लान बनाया था उस प्लान के अनुसार लोगों को डायरेक्शन दिया कि आपको इस तरह से काम करना है, और फिर डायरेक्शन के बाद में हमने उन पर कंट्रोल रखा और हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो गया। ये हमारा एक उद्देश्य था, पूरा हो गया। क्या हम इस उद्देश्य को पूरा होने के बाद चुपचाप बैठ जाएंगे? क्या हम आगे वर्क नहीं करेंगे? नहीं, ये प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। ये पहला उद्देश्य पूरा हो गया, अब दूसरे उद्देश्य के लिए वापस यही प्रोसेस चलेगी। पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। तो ये प्रोसेस लगातार लगातार चलती रहती है। एक ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है, हम दूसरे उद्देश्य के लिए पुनः वापस उसी प्रोसेस में चलते रहते हैं। तो ये प्रोसेस रुकती ही नहीं है, जस्ट एज ए चैन, साइकिल की जैसे चैन चलती रहती है, गाड़ी की चैन चलती रहती है, तब तक गाड़ी चलती रहती है। जो ही वो चैन चलना रुक बंद होती है, उसके कुछ समय बाद गाड़ी रुक जाती है या गिर जाते हो आप लोग। तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि एक उद्देश्य को प्राप्त होने के बाद, एक ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के बाद, हम पुनः दोबारा फिर से नए उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारे जो स्टेप है, मैनेजमेंट इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी। देखो क्रिएटिव एक्टिविटी है, क्रिएटिव का मतलब होता है सृजनात्मक कार्य, सृजन करना या निर्माण कार्य। प्रबंध में सृजन कार्य होता है, निर्माण कार्य होता है। आप सोचेंगे सर निर्माण तो किस चीज को बनाना होता है, यहां पर बनाने का मतलब क्या है, यहां पर निर्माण का मतलब क्या है? यहां पर निर्माण का मतलब है आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना है। उन रिसोर्सेज को क्या करना है? यूटिलाइज करना है। और यूटिलाइज करके, यूटिलाइज भी कैसे करना है? यूटिलाइज भी आपको करना है एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में। एफिशिएंट मतलब प्रभावपूर्ण, और एफिशिएंट प्रभावपूर्ण और कम लागत। मैनेजमेंट इज ए क्रिएटिव एक्टिविटी। क्रिएटिवनेस का मतलब होता है सृजन करना, निर्माण करना। क्रिएटिवनेस का मतलब क्या है? यहां पर सृजन का मतलब, निर्माण का मतलब क्या है? तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करना। मैनेजमेंट में आपके पास जो रिसोर्सेज है, आपने रिसोर्सेज पढ़े थे, टू टाइप्स के होते हैं, ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल। उन रिसोर्सेज को आपको इस प्रकार से काम में लेना है कि ज्यादा से ज्यादा हमें उत्पादन प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा हमें रिजल्ट प्राप्त हो। और रिजल्ट भी कैसे प्राप्त हो? एफिशिएंट मैनर में, चीपेस्ट मैनर में, कम से कम लागत में और इफेक्टिवनेस के साथ। इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया? क्रिएटिव एक्टिविटी। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 8, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट एक साइंस है, प्रबंध एक विज्ञान है। प्रबंध विज्ञान क्यों है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेनेशन के साथ में विस्तार से वाइडली रूप में पढ़ेंगे। अभी तो केवल आपके करेक्टरिस्टिक्स के रूप में, आपको दो लाइन के रूप में बता रहा हूं, क्योंकि ऑल ऑफ द फीचर्स of science included in management as a systematic study नंबर 2 प्रिंसिपल बेस प्रैक्टिकल बेस
एंड यूनिवर्सल। साइंस क्या है, सबसे पहले हमें वो जानना पड़ेगा। मैनेजमेंट इज ए साइंस के लिए, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन जनरल कुछ बातें वो बता रहा हूं कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा गया। मैनेजमेंट इज ए साइंस बिकॉज ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ साइंस इंक्लूडेड इन मैनेजमेंट। साइंस के जो गुण हैं, विज्ञान के जो गुण हैं, विज्ञान के वो गुण प्रबंध में समाहित हैं। जैसे जैसे गुण विज्ञान के अंदर है, वैसे वैसे गुण प्रबंध में भी हैं, इसलिए प्रबंध को भी विज्ञान कहा जाता है। लोग कहते हैं कि भगत सिंह शेर इंसान था, भगत सिंह एक शेर था। क्यों? क्योंकि जैसे गुण शेर के अंदर थे, शेर के अंदर होते हैं, वैसे गुण भगत सिंह के अंदर भी थे, इसलिए उसकी तुलना की गई है। तो यहां पर भी मैनेजमेंट को मैनेजमेंट की साइंस से तुलना की गई है, क्योंकि साइंस के अंदर जो गुण है वो फीचर्स किस में इंक्लूड है, मैनेजमेंट के अंदर भी इंक्लूड है। क्या क्या फीचर्स है साइंस के? तो साइंस क्या है, तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द पॉइंट। किसी भी एलिमेंट की हम साइंस में सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैनेजमेंट के अंदर भी किसी भी एलिमेंट की हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं, सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं। नंबर दो, प्रिंसिपल बेस्ड। साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं तो मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ये भी प्रिंसिपल बेस्ड। प्रैक्टिकल बेस्ड, साइंस में प्रैक्टिकल्स होते हैं, मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल्स होते हैं। मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल किस पे होते हैं? मैनेजमेंट में ह्यूमन बींग्स जो है उसके बिहेव का प्रैक्टिकल होता है, कि हम अगर इन व्यक्तियों को इस तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं तो ये ह्यूमन बींग किस तरह से काम करेंगे। उसके बाद में है यूनिवर्सल। साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सल है, साइंस यूनिवर्सल है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, जैसे हम कहते हैं ग्रेविटी जो है, ग्रेविटी का नियम यहां पर भी लागू होता है तो अमेरिका में भी लागू होता है। साइंस यूनिवर्सल है। सनराइज इन द ईस्ट भारत में भी लागू होता है तो अमेरिका में भी लागू होता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, डिवीजन ऑफ वर्क इंडिया में भी लागू होता है तो पाकिस्तान में भी लागू होता है तो अमेरिका में भी लागू होता है। इसलिए ये जो चीजें हैं साइंस के जो फीचर हैं वो मैनेजमेंट में इंक्लूड है। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ साइंस। प्रबंध एक विज्ञान है। उसके बाद बात करते हैं कि प्रबंध एक कला है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। प्रबंध एक कला है। प्रबंध को कला क्यों कहा गया, ये टॉपिक भी हम आगे पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में, बट थोड़ा यहां इसको समझते हैं। वही डेफिनेशन, ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ द आर्ट इंक्लूडेड इन द मैनेजमेंट, सो वी कैन से मैनेजमेंट इज एन आर्ट। बट हमें यहां पर भी आर्ट को समझना पड़ेगा, आर्ट क्या है, कला क्या है। द बेस्ट वे ऑब्लिक मेथड, द बेस्ट मेथड ऑफ अचीविंग रिजल्ट। कला क्या है, तो किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है उसे हम कला कहते हैं। हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने का, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने का जो सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट जो तरीका है, उसी को कला कहते हैं। मैनेजमेंट भी यही सिखाता है। जो फीचर आपके मैनेज कला में इंक्लूड है वही फीचर प्रबंध में भी इंक्लूड है। मैं आपकी जो आर्ट है, ये आर्ट डिपेंड है प्रैक्टिस पर एंड प्रिंसिपल पर। कला के भी कुछ सिद्धांत होते हैं और कला डिपेंड होती है प्रैक्टिस पर, कला डिपेंड होती है ह्यूमन बिहेव पर। कला डिपेंड होती है ह्यूमन बिहेव पर, तो आर्ट्स जो है वो ह्यूमन बिहेव पर डिपेंड होती है, प्रैक्टिस पर डिपेंड होती है, प्रिंसिपल पर डिपेंड होती है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, ऑल्सो डिपेंड ऑन प्रिंसिपल्स एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। जैसे कला के अंदर आदमी के व्यवहार पर डिपेंड होती है कला। एक ही टॉपिक को, एक ही सब्जेक्ट को चार टीचर पढ़ाते हैं, चार अध्यापक पढ़ाते हैं, एक ही टॉपिक को चार व्यक्ति अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन करते हैं, अलग अलग तरीके से समझाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द पर्सन। कला डिपेंड होती है व्यक्ति विशेष के ऊपर। मैनेजमेंट के अंदर भी एक कंडीशन लागू होती है। एक ही संस्था का
मैनेजमेंट करना है, चार अलग अलग मैनेजर से करवाए जाए, तो चारों मैनेजर अपने तरीके से अलग अलग तरीके से मैनेजमेंट करेंगे। इसलिए कहा गया कि इट्स डिपेंड ऑन ह्यूमन बिहेवियर। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रयास आपको सफल बनाते हैं, आपको परफेक्ट बनाते हैं। ये सिद्धांत कला में लागू होता है, यह सिद्धांत प्रबंध में भी लागू होता है, इसलिए इसे कहा गया मैनेजमेंट इज एन आर्ट। और आगे बढ़ते हुए इसकी लास्ट जो इसका प्रिंसिपल है, सॉरी इसकी जो फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी ओर बढ़ते हैं। दसवें नंबर का जो आपके फीचर, दैट इज मैनेजमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। Because there are many activity in the management, in the firm, there are many activities. And all of the activities are correlated to each others. एक दूसरे में समाहित है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक को हम अगर काम में लेते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। For example, management of work. मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कार्य का प्रबंध, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ मैन्स, मैनेजमेंट ऑफ टाइम, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जटिल क्रिया है, बहुत कठिन क्रिया है। क्यों है? क्योंकि इस एक मैनेजमेंट में कई प्रकार के मैनेजमेंट इंक्लूडेड होते हैं, कई प्रकार के प्रबंध उसमें करने पड़ते हैं। जब हम एक कार्य को संचालित करते हैं तो एक काम के लिए हमें मैनेज ऑपरेटिंग मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी करना पड़ता है, हमें मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग भी करना पड़ता है, हमें मैनेजमेंट ऑफ टाइम भी करना पड़ता है। तो एक मैनेजमेंट के लिए कई सारे मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, इसलिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे को इफेक्ट करती है, इसलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। तो बच्चों आज आपने मैनेजमेंट की जो करैक्टरिस्टिक्स है, मैनेजमेंट की जो फीचर्स हैं, उनका अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझाने में पूरा प्रयास किया गया है, पूरी कोशिश की गई है और आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में लेकर के एक नया टॉपिक। तब तक के लिए जय श्री राम।